हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटरशेफ। और आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल कढ़ी। तो देखते हैं इस कढ़ी में क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। तो इसमें लिए हमने चॉप किया हुआ आलू, शिमला मिर्च और गाजर, इन सब चीज़ों को हमने चॉप कर लिया है। और थोड़ी गोभी ली है, गोभी को भी छोटा छोटा चॉप कर लेते हैं। और अगर आपको ये लगे कि गोभी गलेगी नहीं तो उससे थोड़ा बॉईल कर लेना है। ये हमने छाछ लिया है और इसमें थोड़े से प्याज चॉप कर लेते हैं। चॉप को भी बारीक चॉप कर लेना है जिससे कि इजीली गल जाए। इसमें हमने एक टमाटर लिया है, टमाटर को भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। अब देख लेते हैं मसाले कौन कौन से यूज़ करने हैं इसमें। तो सारे मसाले देख लेते हैं हम। इसमें लिया है हमने लाल मिर्च साबुत, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, कसूरी मेथी, धनिया पाउडर और जीरा। और इसमें हमने मेथी भी ली है। ये हमने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये मैंने घर में ही बनाया है। आप चाहे तो बना बनाया यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 2 या 3 चम्मच ऑयल डालना है बस। ऑयल को गर्म होने दें। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें सबसे पहले हम मेथी डालते हैं। ऑयल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें मेथी दाना डाल देंगे। ऑयल को ज़्यादा गरम नहीं करना है, हल्का गरम होने पे मेथी दाना डालना है। इसमें हम साबुत लाल मिर्च भी डाल देंगे। जीरा, अब इन्हें अच्छे से फ्राई करेंगे हम। मट्ठे में थोड़ा बेसन ऐड कर लेते हैं हम। मैंने मट्ठा जो लिया है वो 1 लीटर मट्ठा है, और 1 लीटर में मैंने 1 कप बेसन यूज़ किया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। देखो मिर्च और हमारा जो धनिया है, जीरा और मेथी दाना है वो फ्राई हो गया है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देते हैं। प्याज को भी अच्छे से फ्राई कर लेना है, हल्का ब्राउन होने। और इसमें मैंने जिंजर और गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर लिया है। आप चाहे तो इसमें हींग भी डाल सकते हैं, या बाद में हींग का तड़का लगा सकते हैं। हींग और लाल मिर्च का तड़का बाद में लगा सकते हैं आप। प्याज हल्की लाइट पिंक होने लगी है। प्याज जो है अब हमारी लाइट पिंक हो गई है। और इसमें हम टमाटर ऐड कर देते हैं। अब टमाटर को भी थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें कैरेट को ऐड कर देते हैं। क्योंकि गाजर जो है वो थोड़ी देर से गलती है, इसलिए हम सबसे पहले गाजर ऐड कर देंगे इसमें और इसे थोड़ी देर भुनेंगे। इसे अच्छे से पकाना है जिससे कि गाजर कच्ची ना रहे।
अब हम इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे, नमक डालने से थोड़ा इजीली गल जाएगी गाजर। हमारी गाजर अब गल गई है, अब हम इसमें गोभी ऐड कर देंगे और गोभी को भी अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें आलू भी ऐड कर देंगे। अब हम इन सब चीज़ों को भून लेंगे अच्छे से, और जब तक ये गल ना जाए। अब सब्जी गल चुकी है, अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें हल्दी, लाल मिर्च, कसूरी मेथी, धनिया पाउडर, सब चीज़ें ऐड कर ली है मैंने इसमें, और अब हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है, देखो कितना अच्छा कलर आया है। और अब हम इसमें छाछ और बेसन वाला पेस्ट ऐड कर लेते हैं। अब लगातार इसको घुमाते रहिए जिससे ये फटे ना। अगर कड़ी फट जाती है तो उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। कड़ी फटनी नहीं चाहिए, इसे लगातार चलाते रहना है। जब तक कड़ी में उबाल ना आ जाए तब तक लगातार चलाते रहिए। उसके बाद सिम करके रख देना है थोड़ी देर के लिए। अभी तक हमारी कढ़ी में उबाल नहीं आया है इसलिए हम इसे लगातार चला रहे हैं। कढ़ी को उबाल आने तक पकाते रहना है, और उबाल आने के बाद गैस को सिम करके कढ़ी को रख देना है जिससे कि कढ़ी धीरे धीरे अच्छे से पक जाए। अच्छे से पकने पर कढ़ी का जो स्वाद है वो भी अलग हो जाता है और बहुत ही टेस्टी हो जाती है कढ़ी। अब हम गैस को सिम करके रख देते हैं कढ़ी को, और बीच बीच में चलाते रहना है। अब हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हमारी कढ़ी रेडी हो गई है, अब हम इसे बाउल में डालकर सर्व कर देते हैं। और अब हम इसे चावल के साथ कढ़ी को सर्व कर देते हैं।